जज करने के लिए क्या यार जज तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर लेता है। believe in just keeping your head down and working. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ वी थिंक ये कभी नहीं खत्म होगा लेकिन इट एंड्स पंकज जी उनके साथ में काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि गजब आदमी है और गजब एक्टर भी है ठीक है अभी जो भी कोई इंडस्ट्री में कमिंग ड्यू थिंक कि उसको तुरंत जज भी कर लिया जाता है एंड पीपल ट्रोल और क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ है हीरा मंडी में शर्मीन को जो ट्रोल किया गया उनकी एक्टिंग के लिए डू यू थिंक इट्स अ गुड कि फर्स्ट में ही हम आप जज कर लो किसी एक एक्ट्रेस को एन उसको मौका ही ना दो ऑफकोर्स इट्स नॉट गुड मतलब जज करने के लिए क्या यार जज तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर लेता है मैंने वही कहा कि वेन वी चूज़ दिस प्रोफेशन इट्स अ गिवन दैट यू नो पीपल आर गोइंग टू जज यू इट्स हाउ यू हैंडल इट एंड इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आई आई बिलीव इन जस्ट कीपिंग योर हैड डाउन एंड वर्किंग एंड कीप वर्किंग एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन रियली डू बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है uh, आगे वाला इंसान क्या बोलेगा आपके बारे में ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो अनफॉर्चुनेटली सो थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए या डोंट टेक इट टू योर हार्ट ऐसा मैं सबको कहना चाहूँगी जब आप इस इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी तो कोई आपके ऐसे एक इंस्पिरेशन थे जिसको देखकर आप काफ़ी डॉर uh, करती थी उनको टू बी वेरी ऑनेस्ट आई आई एक्सीडेंटली बिकेम एन एक्टर मुझे खुद पता नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ जब जैसे मैंने कहा कि वैन आई स्टार्टिड यू नो एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस एंड द मैजिक ऑफ दिस प्रोफेशन फिर मुझे लगा कि ओ ये कितना अच्छा काम करते हैं, ओ ये कितना अच्छा काम करते हैं। सो पंकज जी इज़ समबडी आई ऑलवेज अडोर्ड काफ़ी सारे एक्टर्स हैं और मतलब लेकिन पंकज जी उनके साथ में काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि गज़ब आदमी है और गज़ब एक्टर भी है और येस आई हैव ऑलवेज लुकड अप टू हिम कोई कोई एक्टर अगर इंडस्ट्री में घुसना चाहता है एंड ही और स्टिल स्ट्रगलिंग उसको क्या कहना चाहेंगे आप क्योंकि देर मेनी आउट देर Uh, मैं कहना चाहूँगी डोंट गिव अप आई मतलब जब डिफिकल्ट टाइम होता है वी थिंक कि ये कभी नहीं ख़त्म होगा लेकिन इट एंड्स एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ बैकअप प्लान सम पीपल आर ओके सम पीपल लाइक मी आर ओके विथ नॉट हैविंग अ बैकअप प्लान बट प्रैक्टिकली आप अगर सोचो तो येस देस शुड बी अ प्लान बी एंड नॉट गिविंग अप इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू एंड दैट यू गॉट टू डू